Hello friends and welcome again to our new introduction video of our new launched course that's of personality development. जी हाँ friends, BDI Kids आपके लिए personality development course भी ले आया है. Friends, आपको पता है कि personality develop करने के लिए हमें कौन कौन से skills चाहिए हैं और BDI Kids आपको कौन कौन से स्किल्स सिखाने वाला है जिससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी, उभर के बाहर आएगी, ये मेरी गारंटी है. सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रही हूँ इसी वीडियो में कि हम कौन कौन सी स्किल्स पर वर्क करेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी 110% डेवलप होके ही रहेगी. सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि आपको किचन में जाना है, अपना गैस जलाना है, उस पे पैन रखना है, उसमें 2 कप्स पानी डालना है, जिंजर डालनी है, इलायची डालनी है, टर्मरिक डालनी है, उसको घोल के पी जाना है. इसे पता क्या होने वाला है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी. ठीक है, और किसी इंसान को अगर ये चीजें सूट नहीं करेंगी तो फिर एलर्जी या पिंपल्स तो ऑब्वियसली बात है आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे धब्बा लग सकता है. So, इसे क्या होगा कि सिर्फ आपकी डिटॉक्सेशन होगी बॉडी की, नथिंग, पर्सनैलिटी तो इसे डेवलप होने नहीं वाली, गैस बिल अलग से होने वाला है आपका. सो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा. सो उन स्किल पे जाने से पहले मैं क्या आपको बता सकती हूँ कि पर्सनैलिटी होती क्या है, मैं बता ही देती हूँ. पर्सनैलिटी होती है यूनिक वे ऑफ हाउ अ पर्सन बिहेव, कि वो कैसे बिहेव करता है किसी के सामने. कई पर्सन्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको देखते ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे आइडल बन जाते हैं वो. और कई तो ऐसे भी होते हैं जिनको देखते ही इतने ब्रांडेड कपड़े लगा के भी वो बहुत अजीब से लगते हैं. उनकी जो वे होती है, मैनर होते हैं, डिसिप्लिन उनकी शो नहीं होते, तो वो हमें अजीब लगते हैं एज कम्पेयर टू दिस. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि वो बंदा कैसा दिख रहा है, कि उसका जेनेटिक वे में वो कैसा है, कैसे माहौल में रह रहा है, वो वैसा ही होगा. अब चलिए हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी स्किल्स पे वर्क करने वाले हैं. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. आपकी बातचीत करने का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं. सेकेंड इज प्रेजेंटेशन स्किल. बहुत सारे लोग स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके पीपीटी देते हैं, पावर पॉइंट पीपीटीज देते हैं, कहीं अपने आप को स्टेज पे खड़े होके प्रेजेंट करते हैं. शौक होता है, एंकरिंग का शौक होता है, बहुत सारी चीजें. तो ये स्किल कैसे डेवलप होगा ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं. थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ लुक स्किल. अब आपका लुक, सबसे पहले आपका लुक जो होता है वो विजुअलाइज होता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपका पहनावा कैसा है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम ब्रांडेड ही कपड़े ले लें. ठीक है, हम लड़के हैं तो कैसे दिखने चाहिए, लड़कियां हैं तो कैसे दिखनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रेस एंड अट्रैक्टिव समवन. ये स्किल है कि हम इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए ही नहीं है, बूढ़ों के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए है. इनफैक्ट हाउसवाइफ्स भी इसको कर सकती हैं यूज. इस कोर्स को जब आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करेंगे, जब इस पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी उभर के आएगी. इनफैक्ट हाउसवाइफ्स की भी, क्योंकि हाउसवाइफ को भी सोसाइटी में रहना होता है. क्यों, आप चाहते नहीं कि आपको सोसाइटी में आपकी तारीफ हो? ऑब्वियसली मैं भी चाहती हूँ, हर एक लड़की चाहती है कि भाई मेरी तारीफ होनी चाहिए. इनफैक्ट मैं आज दुपट्टा नया लेके जा रही हूँ तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे पे अच्छा लगना चाहिए. मैं किस तरीके से उसको ओढ़ूंगी ये भी हम आपको सिखाते हैं. क्लासी एंड रॉयल, क्लासी कैसे लगे और रॉयल कैसे लगे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से तो हम मिडिल क्लास ही लगे. हम उसको कैसे अपने नेचर में डाल सकते हैं कि हमें कहीं पे जाना है तो हम कैसे क्लासी लगेंगे, कैसे रॉयल लगेंगे. खाना है हमें, इसमें सिर्फ सबसे पहले आ जाती है टेबल मैनर्स. ठीक है, किसी के साथ मिल रहे हैं वो भी आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज बूस्ट कॉन्फिडेंस. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप ये कर पाएंगे.
सही सी बात है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप सामने आ पाएंगे, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। लास्ट वन इज डिसिप्लिन स्किल। डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे लुक इंपॉर्टेंट है वैसे डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है कि आप भी अपनी पर्सनालिटी को फुली चेंज कर सकते हैं। पर कैसे? जब आप ये कोर्स को अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तब आप अपने मुझे 60 डेज दे दीजिए, गिन के 60 डेज दे दीजिए। मैं आपको 110% गारंटी देती हूं कि आप में चेंजेस आएंगी, लेकिन तब आएंगी जब आप इस वीडियो को 1 या 2 times देखेंगे। सो अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।